हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 21। इससे पहले हम लोग MCQ 20 तक कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे कोई भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा सबसे पहले आप तक। और प्लीज़ एक बात और, डू शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही सीखेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। आज के पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव लॉन्च्ड जॉइंट एयर ड्रिल एक्सरसाइज नेम विजिलेंट एस, यानी कि विजिलेंट एस नाम की जॉइंट एक्सरसाइज जो कि एयरफोर्स कर रही है, कौन से दो देशों के बीच हो रही है। तो आपको नाम याद रखना है विजिलेंट एस, ये कीवर्ड है। और कौन कौन कर रहा है? साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। इंडियाज फर्स्ट मदामे तुसाद वैक्स म्यूजियम हैज ऑफिशियली ओपेंड फॉर पब्लिक इन विच सिटी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सॉरी कि मैडम तुसाद नाम से एक संस्था है, जो कि होता क्या संस्था क्या म्यूजियम है, जहाँ पे वैक्स की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े साहित्यकारों की, बड़े बड़े नेताओं की, एक्ट्रेस की। ठीक है, सो इंडिया में भी इसकी एक ब्रांच खुली है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 23rd ब्रांच है। और ये कहाँ खुल रही है? तो जाहिर सी बात है इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में से एक होंगी। ऑप्शन चेक करते हैं, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, जो कि सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। अब आइए जानते हैं कि न्यू दिल्ली में कहाँ पे खुल रही है। न्यू दिल्ली में एक बिल्डिंग है, आइकन रीगल बिल्डिंग, जो कि सेंट्रल दिल्ली में है, वहाँ पर ये म्यूज़ियम खुलेगा। और अभी तक जो म्यूज़ियम खुलेगा उसमें लगभग 50 पुतले, ठीक है, फैक्स के पुतले लगेंगे। और वो किस किस के होंगे? सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, लियोनेल मेसी, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, नेने, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी और इन्हीं की तरह अन्य बड़ी हस्तियों के वहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, और अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक तो ये पूछेगा कि मैडम तुसाद का जो म्यूज़ियम खुला है इंडिया में कहाँ पे खुला है, तो न्यू दिल्ली आंसर हो गया। दूसरा पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली में ब्रांच खुल रही है वो कौन से नंबर की ब्रांच है, तो वो 23rd ब्रांच है। आप देख सकते हैं 23rd मदामे तुसाद अट्रैक्शन ग्लोबली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन के ऊपर है ये, यानी कि आरक्षण के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज के समाज में। ठीक है, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड कापू रिजर्वेशन, कीवर्ड क्या याद रखना है आपको, कापू रिजर्वेशन बिल फॉर 5% कोटा टू कम्युनिटी। सो सबसे पहली बात जान लीजिए, कापू रिजर्वेशन का बिल किसने लॉन्च मतलब पास किया है, वो है आंध्र प्रदेश की असेंबली ने। अभी तक आपकी, आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी तक क्या है हमारे देश में 49% तक हम लोग कोटा लगा सकते हैं, बाकी मतलब रिजर्वेशन लगा सकते हैं 49-50% तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को अप्रूवल मिला हुआ है, इसके बाद नहीं लगा सकते। लेकिन इस कापू रिजर्वेशन में अगर हम लोग 5% का कोटा लगा देते हैं तो इसका वायलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेट में 29% का कोटा लगा हुआ है बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, 15% का कोटा लगा है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 6% का कोटा लगा हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो टोटल देखिए कितना हो गया, 9, 6, 15, 5, 20 की जीरो हासिल लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 50% कोटा ऑलरेडी है। अब ये 5% लग जाएगा तो 55% हो जाएगा टोटल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है, फिर भी अभी सरकार ने इसको लागू किया है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, कापू रिजर्वेशन कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में, और कितने परसेंट? 5%। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज कंडक्टेड द रीजनल लेवल मरीन ऑयल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, नाम क्या है? क्लीन सी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अभी अभी भारतीय सेनाओं की एक कमांडर ने
समुद्री तेल प्रदूषण के खिलाफ एक एक्सरसाइज शुरू की है, उसका नाम क्या है? क्या है? क्लीन सी 2017। अब ये कर कौन रहा है? अब क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि समुद्र से रिलेटेड है तो ऐसी कोई सेना होगी, या तो इंडियन नेवी होगी या फिर आईसीजी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो किसने कर रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है? पोर्ट ब्लेयर के समुद्र के तट पे, ठीक है। इसमें क्या होगा? समुद्र के प्रदूषण में जो हो रहा है, समुद्र, क्योंकि जितने भी ऑयल की वो हैं खजान, तेल की खदानें, वो सब समुद्र के बीच होती हैं, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि जो समुद्र के अंदर से ही तेल निकाला जाता है। तो इसीलिए उससे क्या होता है, जब कभी लीकेज हो जाता है तो समुद्रों के लेयर पे तेल जम जाता है, तो जिससे प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, उसी की लिए ये एक्सरसाइज की गई है, उसके क्लीनलीनेस के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मीराबाई चानू, नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू हैज बिकम फर्स्ट इंडियन इन ओवर टू डिकेट्स, यानी कि पिछले दो दशक से पहली महिला है, क्या नाम है उनका, मीराबाई चानू, टू विन गोल्ड। क्या इन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, यानी कि भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने, हिंदी में क्या कहते हैं, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, क्या नाम है, मीराबाई चानू, इन्होंने गोल्ड जीता है, और 21 स्टेट से हैं, मणिपुर से। अब आपको ये मैं एक बात बता दूं, भारोत्तोलन में एक नाम बहुत फेमस है, करणम मलेश्वरी, ठीक है। इन्होंने भी भारत के लिए कभी गोल्ड जीता था, इनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मीराबाई चानू के बारे में जान लें कि इन्होंने यूएसए में एक वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन, ए वर्ल्ड हैवी वेट कह रहा हूँ, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी यूएसए अमेरिका में, इन्होंने उसमें गोल्ड जीता है, और इन्होंने जो फाइट की थी वो की थी गोल्ड के लिए 48 kg कैटेगरी में, ठीक है। और इन्होंने टोटल 109 194 kg वेट उठाया था, जिसमें से 85 kg स्नैच में उठाया था और 109 kg क्लीन एंड जर्क में उठाया था। अब बात करते हैं कर्णम मलेश्वरी की, जो भारत तोलन में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इस खेल में। इन्होंने भी 2 बार चैंपियनशिप जीती थी, 1994 और 1995 में, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड किसने जिताया? कर्णम मलेश्वरी ने। लेकिन 2017 में किसने जीता? मीराबाई चानू ने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फिश पॉन्ड योजना, यानी कि मत्स्य पालन के लिए मत्स्य तालाब योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, इन्होंने ये इस योजना का उद्घाटन अपने हाथों से किया। और इसमें होगा क्या, 2200 हेक्टेयर ऑफ फ्रेश वाटर का एक एक्वा कल्चर खोला जाएगा, ठीक है, जिसमें से 50% फाइनेंस का असिस्टेंट किसानों को किया जाएगा। तो उड़ीसा में खोली गई है फिश पॉन्ड योजना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और प्लीज अपने कमेंट्स को बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। टाटा, बाय बाय।